जेन फ्रेंड्स, आज के दोस्तों क्लास ट्वेल्थ दोस्तों बायोलॉजी का जैसा कि पेपर हुआ अभी दोस्तों, आज 29 फरवरी है। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, आज के पेपर में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आया दोस्तों, सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है प्यारे बच्चों, एग्जैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, सबसे तेज सबसे सटीक। इसको मेरे दोस्त सबसे पहले आप सब देख लीजिए और दोस्तों मिला लीजिए। दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों बच्चों का कोड यही रहने वाला है और दोस्तों था भी, ठीक है दोस्तों। 70 नंबर का आप सबका पेपर आया था दोस्तों, 3 घंटे 15 मिनट दोस्तों समय दिया गया था। आओ मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको दोस्तों हम एक एक बातें बताते हैं दोस्तों। आपका टोटल दोस्तों कितने पेज का पेपर था, तो आप कहेंगे सर जी 7 पेज का था। वो दोस्तों आप सबका दोस्तों ज़्यादा ऊपर नहीं, यही पे दोस्तों लिखा हुआ है, आप सब देख सकते हो, ठीक है। पृष्ठों की संख्या 7 है। अब दोस्त आगे बढ़ेंगे, हम यहां पे दिखाएंगे आप सबका दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिएगा एक एक मार्क्स के दोस्तों सारे क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव वाले। भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं, आप सब दोस्तों पूछा गया था, आपने क्या आंसर दिया था, आपने कहे होंगे कि सर जी हमने तो त्रिगुणित बोल दिया था इसका। प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर था आपका। आपका देखिए ख नंबर में प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, देखिएगा मधुप के नर ड्रोन जो दोस्तों पुंक मधुप होता है में दोस्तों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, यह दोस्तों आप सबसे पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। अब भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा ग नंबर, ग नंबर दोस्तों क्या था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है, जरा आप बताइएगा इसका कौन सा टिक आप किए हो आंसर, तो आप कहेंगे सर जी हमने पहले ही किया था DNA अथवा RNA, ठीक है। ये पहले बच्चों आपका राइट आंसर हो गया था। अब बात करेंगे हम आपका घ नंबर क्वेश्चन दोस्तों पहले का यानी ऑब्जेक्टिव का दोस्तों। घ नंबर क्वेश्चन में जन्म जात उपाचयी त्रुटि है, तो आप कहेंगे सर जी इसका हमने कौन सा ऑप्शन मारा था, 3rd नंबर, ठीक है। तो दोस्तों आपका हीमोफीलिया हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब दोस्त आइए हम आपको सारे क्वेश्चन दिखाते हैं और साथ ही दोस्तों इसका दोस्तों हम आंसर का भी दोस्तों हम PDF आपको बिल्कुल दिखाएंगे, ठीक है। और दोस्तों आंसर का जो PDF है आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे दे देंगे, जाके वहाँ पे दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, या दोस्तों आप सब सर्च करिएगा टेलीग्राम पे एग्जाम रोड, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ कह रहा है फाइलेरिया रोग, भाई साहब रोग कारण का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिएगा प्यारे बच्चों। और दोस्तों DNA RNA में दोस्तों अंतर पूछ रखा था, किन्हीं दो जैव विविधता और दोस्तों तप्त स्थल के नाम लिखना था, जो कि दोस्तों आधे आधे नंबर के थे, दो का एक एक नंबर का, ठीक है, दो थे एक एक नंबर के, सॉरी हाफ हाफ नंबर के, ठीक है। आपके दोस्तों टोटल एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मानव विषण के सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है, जरा ये भी बताइएगा प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन दोस्तों RNA अणु कौन से एंजाइम होते हैं, दोस्तों क्वेश्चन आप सब देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन हैं। आइए इसका हम आपको दोस्तों आंसर भी दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो जितने भी पूछे गए प्यारे बच्चों सभी अच्छे थे। देखिएगा यहाँ कह रहा है DNA के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम, भाई साहब 2 नंबर में पूछा गया था, और खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन पूछा था, और दोस्तों आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं ये भी पूछा था, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों ये 2-2 नंबर के थे। उसके बाद मच्छर से होने वाले किसी एक रोग, भाई साहब एक रोग का नाम पूछा था और कह रहा था उसका रोकथाम का उपाय का वर्णन करिएगा। जैव सूचना विज्ञान क्या है प्यारे बच्चों, 2 नंबर में ये भी पूछा था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिएगा आपका, देखिए DNA RNA का दोस्तों हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था, परागण के जंतुओं की भूमिका का वर्णन, देखिए 3 नंबर में पूछा गया था। द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र, आपको दोस्तों चित्र भी बनाने के लिए बोला था, और दोस्तों अपूर्ण प्रभाविता क्या है दोस्तों उदाहरण से समझाने के लिए बोला है, और दोस्तों आपका क्या कह रहा है यहाँ जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका 3 नंबर में पूछा गया था। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं, टोटल दोस्तों 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखिए हांडिड वेनरवर्ग सिद्धांत पर दोस्तों टिप्पणी पूछ रहा है 3 नंबर में, और दोस्तों विपुंसन की व्याख्या पूछ रहा है 3 नंबर में, और दोस्तों सहलग्नता पर टिप्पणी पूछ रहा है 3 नंबर में, और दोस्तों स्त्री अंडाशय के आरेखीय कार्ड का नामांकित चित्र, भाई साहब 3 नंबर में पूछा था। प्यारे बच्चों आपको हम सारे आंसर दोस्तों दिखाएंगे, पूरे दोस्तों आंसर का मैंने PDF बना के रखा है, आप सबको दोस्तों एक एक क्वेश्चन दोस्तों बताएंगे, ठीक है, आप सब मिलाइएगा। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन पूछा है दोस्तों। DNA फिंगर प्रिंटिंग की व्याख्या करते हुए दोस्तों उसका प्रयोग बताइएगा। आदिमानव दोस्तों पर टिप्पणी लिखने के लिए 3 नंबर पर आया था दोस्तों। सहोपकारिता क्या है दोस्तों उदाहरण सहित आपको दोस्तों बताना था इसका व्याख्या आपको, ठीक है। अब दोस्तों आइए हम 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों 8वां, फिर 9वां के बाद दोस्तों आप सबका क्या हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों, यहां देखिएगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न प्यारे बच्चों शुरू हो गया, ठीक है। 9वां के बाद दोस्तों आपका लास्ट वही 9वां ही क्वेश्चन है, देखिएगा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग को कम करने
कि सूक्ष्म जीवों की उपयोग व विस्तृत विवरण प्यारे बच्चों ये पूछा है, ठीक है, पाँच नंबर में। उसके बाद यह दोस्तों अथवा करके दिया है, कह रहा है मानव कल्याण के जैव प्रौद्योगिकी के योगदान व संक्षेप में उल्लेख कीजिएगा, पाँच नंबर में ये भी पूछा था। चाहे पहला दीजिए चाहे दूसरा, कोई भी दोस्तों आंसर देना था आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आठवां नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मानव जीनोम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन पूछा है दोस्तों। हाँ कह रहा है विभिन्न सहायक जनन औद्योगिकियों का वर्णन प्यारे बच्चों अथवा करके पूछा है, चाहे पहला दीजिए चाहे दूसरा दोस्तों, कोई भी दोस्तों आंसर देना था आपको, चाहे पहला दीजिए चाहे दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों नवा और लास्टवां क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है मेंडलीफ क्या मेंडलीफ का विकार का विस्तार भाई सब वर्णन करना था, या दोस्तों आप सबको अथवा में दिया हुआ है क्या परितंत्र की परिभाषा दीजिए, इसमें जैविक व दोस्तों अजैविक घटनाओं का सचित्र भाई साहब चित्र सहित वर्णन करना है, ठीक है। यानी प्यारे बच्चों आप सबको सारा इसमें डिटेल बताना था चित्र बना के। प्यारे बच्चों इसका आंसर का पीडीएफ दिखाते हैं आपको। देखिए प्यारे बच्चों आप सबको पीडीएफ, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस 10 क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, चारों क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप सब देख सकते हो बहुत आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सारे क्वेश्चन का इसका दोस्तों हम पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रूट पे। इसका दोस्तों दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसको दोस्तों मैंने क्या किया है, इसको दोस्तों अभी हम दे दूंगा इसके जस्ट बाद, ठीक है। इसका दोस्तों बस दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं की कराया हूँ, बाकी दोस्तों तीसरे से लेकर पूरा है, ठीक है। और दोस्तों देखिए तीसरे ख नंबर है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तीसरे का आपका यहाँ पर दोस्तों आपका ये ग नंबर है, ठीक है, और ये घ नंबर है, ठीक है। दोस्तों सारे क्वेश्चन हम दिए हैं, अंगा नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका पांचवा है, ठीक है, सॉरी चौथा है, चौथे का पहला, चौथे के पहले में प्यारे बच्चों परागण पूछा था ना, जैसे कि आप सबको याद होगा ये परागण वाला है दोस्तों, ठीक है। चौथे का दूसरा ये है, यहाँ से चित्र वर्णन करना था किसका, द्विबीजी पत्री भ्रूण का। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा देखिएगा अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है ये पूछा गया था, ये भी दोस्तों। और चौथा नंबर चौथा दोस्तों देखिएगा जैव उर्वरक ये पूछा गया था, नहीं पूछा गया था। ये सारे दोस्तों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे, हार्डी वेनबर्ग नियम दोस्तों यहाँ पे देखिएगा पाँचवें पहले में दोस्तों ये पूछा गया था, पाँचवें दोस्तों दूसरा देखिएगा उत्तरीया विविध दोस्तों पूछा गया था, ये भी दोस्तों का क्या था दोस्तों पराग कोष था, ये भी प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया था। अब दोस्तों एक सूत्री यहाँ पे गुणसूत्री ये सारे दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये प्यारे बच्चों आपसे पूछा था, ठीक है, व्यू ऑफ ओवरी ये प्यारे बच्चों पूछा था, ये दोस्तों फिगर बनाने के लिए बोला था सचित्र आप सबसे। बायोगैस का प्यारे बच्चों पूछा था, ये भी दोस्तों क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है ये भी पूछा था, इसका भी दोस्तों मैंने यहाँ बताया है, ठीक है। सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने करा दिए हैं यहाँ पे आप सब देख सकते हो। सातवां नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है, आठवां नंबर दोस्तों मानव जीनोम ये भी प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मेंडलीफ विकार क्या है ये प्यारे बच्चों आप सबका था। तो दोस्त ये सारे क्वेश्चन मैंने आप सबको करा दिया है, ठीक है। इसको दोस्तों आप सब मिला लेंगे, आई होप आप सबको मजा भी आया होगा। इसका पीडीएफ दोस्तों आपके अपने टेलीग्राम एग्जाम रोड पे दे देंगे, उसको जाके जो दोस्तों ज्वाइन करिएगा, अपने सभी मित्रों प्लीज़ यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और आप सब वहाँ पर ज्वाइन करके बिल्कुल पीडीएफ डाउनलोड करके प्यारे बच्चों बिल्कुल आराम से दोस्तों वहाँ पर पीडीएफ मिला लीजिएगा, सारा दोस्तों क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, ठीक है। क्या सही है क्या गलत दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए कितने नंबर तक के, ठीक है। दोस्त चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब अपने मित्रों में जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा एक बार, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो मिलते हैं, जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।